तो की हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लफड़ा के बारे में। तो गाइस आप लोगों को शायद से ये वाला वायरल पोस्ट याद होगा जहां पर मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे एक यूजर क्लेम किए थे कि वो ब्लिंकिट से मेल अंडरवेयर मंगाए थे बट उनको फीमेल अंडरवेयर मिल गया था। वेल गेस व्हाट, ये पोस्ट की वजह से एक बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया है। बेसिकली पाकिस्तान का एक ब्रांड अकाउंट है क्रम्बल पाकिस्तान, कुछ कुकीज वगैरह का ब्रांड है ये। वो रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम में नॉर्मली ऐसे ही एक मीम शेयर किए थे जहां पर एक कस्टमर डिलीवरी बॉय को बोल रहे थे मेरा भाई बेहोश हो गया ऑर्डर का वेट करते करते जल्दी लाओ। तो डिलीवरी बॉय बोलते हैं सर टायर पंचर हो गया है भाग कर आ रहा हूं। तो इस पर ब्लिंकिट उनको ट्रोल करते हुए एक ट्वीट किए थे लोल एक बिस्किट डिलीवर नहीं हो पा रहा पाकिस्तान नंबर वन ब्रांड बनेंगे। जिस पर क्रम्बल पाकिस्तान रिप्लाई दिए आपके ट्विटर पे देखा था मेल चड्डी की जगह फीमेल चड्डी डिलीवर कर दी थी जल्दी जल्दी में। अब ये वाला पोस्ट इतना ज्यादा वायरल जाने लगा कि वो उस यूजर तक पहुंच गया जो कि ओरिजिनली वो अंडरवेयर वाला पोस्ट किए थे एंड वो इस पर रिएक्ट करते हुए लिखे आई थिंक आई हैव स्टार्टेड द वॉर। बट एनीवेज चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एप्पल iPhone 16 के बारे में। तो गाइस एप्पल ने iPhone 16 को लॉन्च कर दिया, चलिए मैं आप लोगों को उसका डिटेल्स एंड प्राइसिंग के बारे में बता देता हूं। यस, उन्होंने iPhone 16 सीरीज, वॉच सीरीज 10 एंड AirPods 4 को लॉन्च किया एंड पूरा फोन वगैरह का डिटेल्स आप पॉज करके रीड कर सकते हो। एग्जैक्ट मैं नहीं बता पाऊंगा भाई, टेक चैनल नहीं है ये। बट या ये सारे अपडेट्स रिगार्डिंग द न्यू iPhone, वॉच सीरीज एंड AirPods। बट इसका प्राइसिंग क्या रहेगा इंडिया में? वेल, ये लिस्ट भी आपके सामने है। iPhone 16 का प्राइस स्टार्ट हो रहा है अप्रोक्सीमेटली 80,000 से, फिर 16 प्लस स्टार्ट हो रहा है 90,000 से, 16 प्रो स्टार्ट होगा 1,20,000 से एंड 16 प्रो मैक्स स्टार्ट हो रहा है 1,45,000 से एंड जो एकदम टॉप मॉडल है 16 प्रो मैक्स 1 TB उसका कॉस्ट रहेगा 1,85,000। एंड एज यूजुअल जब भी एप्पल इवेंट होता है भाई सैमसंग कुछ ना कुछ लेकर उनको ट्रोल करते ही है। इस बार वो अपने एक पुराने ट्वीट को कोट किए जहां पर वो 2022 में ट्वीट किए थे लेट अस नो व्हेन इट फोल्ड्स। इसको रीशेयर करते हुए वो लिखे स्टिल वेटिंग, मतलब कि अभी भी फोल्डेबल फोन्स नहीं आया आपके तरफ। चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक इंडियन क्रिकेटर के बिग एक्सपोज के बारे में। तो गाइस क्या है, एक यूट्यूबर ने एक इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर को बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। जहां गाइस बेसिकली जैद अपने चैनल में एक व्लॉग अपलोड किए थे जिसके बीच में वो ये टॉपिक को टच करते हुए क्लेम किए कि जैद के फ्रेंड के गर्लफ्रेंड को एक इंडियन इंटरनेशनल प्लेयर की तरफ से इंस्टाग्राम में DMs वगैरह आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। Indian cricketer. He has messaged my girlfriend. What is bro saying? And Vedant, teri girlfriend ki age kya hai? 19. What's this black screen? You started vanish mode. Vanish mode? What's that? Bro thinks he's slick. Okay. You live in Mumbai? Yes. Okay, nice. Bhai, kya bata bhai? Maybe he's reaching out to hire a teacher for his kids. BCCI? Okay. Kya bata kuch? Innocent reason ke liye? Yaar, but innocent reason ke liye ek normal bandi ko kyu reach out kar raha hai wo? Koi janta hai kya? Koi family connection hai? Nahi. Benefit of the doubt de bhai. I don't want to out a national player like that, bro. National fast bowler outed by Zaz's employee. My God, Jasprit Bumrah would never. Oh, abhi he retired. बैंगलोर से वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली दो क्रिएटर्स के बीच में कुछ कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह हुआ था जिसको लेकर एक पर्सन अपने वीडियो में बोल दिया था कि मेरे से बड़ा राउडी है ही नहीं बैंगलोर में। तो जैसे ये पोस्ट बैंगलुरु पुलिस तक पहुंचा वो उनको अरेस्ट कर लिया एंड वो एक मैसेज देते हुए कैप्शन में लिखे स्प्रेडिंग हेट ऑनलाइन, हम लोग यहाँ पर है आपको रिमाइंड करने के लिए कि हमारा सिटी थ्राइव्स ऑन काइंडनेस नॉट क्रुएल्टी, स्पीक अप फॉर रिस्पेक्ट और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले GTA 6 के बारे में। तो क्या GTA 6 अनफॉर्चुनेटली डिले हो गया है? यस गाइस, आप लोगों को तो याद ही होगा कि GTA 6 का ट्रेलर रिलीज हो गया था एंड उसके एंड में उन्होंने बोल दिया था कि फॉल 2025 में ये रिलीज हो जाएगा। बट अ कपल ऑफ डेज अगो अचानक से कुछ ऐसे रूमर्स फैलने लगे कि ये गेम के लॉन्च को पोस्टपोन कर दिया गया है। यस, कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि मिड 2026 में अब ये रिलीज होगा। बट क्या ये सही है? वेल, एक जर्नलिस्ट कुछ रॉकस्टार के डेवलपर्स को रीच आउट किया एंड उनके तरफ से स्टेटमेंट लिए एंड उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यस, उन्होंने ये रूमर को डिनाई कर दिया एंड वो जर्नलिस्ट के तरफ से क्या स्टेटमेंट आया आप रीड ही कर सकते हो। उन्होंने कहा कि वो 6 रॉकस्टार एम्प्लॉइज को रीच आउट किए थे एंड सभी लोगों ने सेम चीज कहा कि उनको कोई भी ऐसा न्यूज नहीं मिला है ऑफ एनी डिले। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले अरिजीत सिंह के बारे में। तो अरिजीत सिंह एक चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। यस गाइस,
बेसिकली उनका एक सेकंड ट्विटर अकाउंट है, वहां से एक ट्वीट वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली उन्होंने लिखा था, ये बिक गई है एल गवर्नमेंट, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं एम डैश के बच्चे। प्रोबेबली ये पुराने मीम को रेफर कर रहे थे, आप लोग को याद होगा। बट इसके पीछे एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो इतना गुस्सा क्यों दिखे? वेल, मैक्सिमम लोगों का तो यही ओपिनियन है कि कोलकाता डॉक्टर केस को लेकर वो अभी भी गुस्सा है। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले रश्मिका मंदाना के बारे में। तो रश्मिका मंदाना मेट विद एन एक्सीडेंट एंड वो एक अपडेट दी। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम में नॉर्मल सा अपना फोटो पोस्ट की एंड नीचे उन्होंने कहा कि वो लास्ट कुछ टाइम से अपने सोशल मीडिया में इसलिए इतना इनएक्टिव है क्योंकि वो एक माइनर एक्सीडेंट को फेस की थी एंड डॉक्टर ने उनको बोला था घर में रहो एंड आराम करो, रेस्ट करो जब तक रिकवर नहीं हो जाते। एंड या एंड में वो एक मैसेज दी कि हमेशा अपना ख्याल रखा करो, लाइफ इज सुपर फ्रेजाइल एंड शॉर्ट, इसलिए हर दिन को अच्छे से जियो। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बारे में। तो एक्टर भव्य गांधी जो कि टप्पू का रोल प्ले करते थे, वो शो को क्यों क्विट किए, वो एक्चुअल रीजंस रिवील करके बताए। यस गाइस, एक इंटरव्यू के दौरान उनसे जब ये सवाल पूछा गया तब वो दो रीजंस बोले। फर्स्टली कि टप्पू का जो कैरेक्टर है वो और अच्छे से दिख सकता था शो में। शो की तरफ से क्या किया जा रहा था कि वो उनके एज को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे ऑफ कोर्स उनके व्यूअर्स भी साथ साथ बड़े हो रहे थे। तो अगर शो में कॉलेज के इश्यूज या फिर मॉडर्न प्रॉब्लम्स को लेकर ज्यादा डिस्कशन होता तो ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर पाते वो ऑडियंस का, ऐसा उन्होंने सजेशन दिया था टीम को। बट उनके तरफ से रिप्लाई आया था कि इसको इंस्टेंटली हम लोग नहीं कर पाएंगे, 2-3 साल लग जाएगा। एंड सेकेंडली ही वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स। इस शो ने उनको डेफिनेटली बहुत कुछ दिया बट उनके अंदर भी कुछ ऐसा चाह है कि वो कुछ और भी करे, कुछ और भी लाए एंड ग्रो करे एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले दो भाइयों के बीच में जो कि एक लड़की के चक्कर में फंस गए। यस गाइस, मध्य प्रदेश से वाला स्टोरी आ रहा है कि अपेरेंटली दो भाई लोग एक ही लड़की से प्यार कर बैठे एंड वो एलिजेडली उनके लिए चोरी वगैरह करने लगे ताकि एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे पाए। पुलिस ने बोला कि उन दोनों लोगों ने कमिट कर दिया है अपने क्राइम्स को कि वो उस लड़की के नीड्स जैसे कि एक्सपेंसिव मेकअप, क्लोथ्स, कॉस्टली हैबिट्स को फुलफिल करने के लिए चोरी करना स्टार्ट किए। एंड पुलिस ने भाई 2.7 लाख वर्थ ऑफ स्टोलन गुड्स इंक्लूडिंग कैश एंड मोबाइल फोन्स को रिकवर किया उनसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक ब्रेव गर्ल के वायरल वीडियो के बारे में जिसकी वजह से उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। यस गाइस, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हो, एक ऑटो चल रहा था एंड अनफॉर्चुनेटली उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसके वजह से वो टर्न हो गया था, गिर गया। बट वहां से एक यंग लड़की दौड़ कर आई एंड वो फटाक से ऑटो को उठाई, पोटेंशियली लोगों का जान उन्होंने बचाया यार। एंड इस चीज की वजह से उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे वायरल ट्वीट्स आए, इस बेटी को सलाम। वरना आजकल के ज्यादातर रुवा किसी दुर्घटना के समय मदद करने की बजाय वीडियो या फिर फोटो लेने में लग जाते हैं। एंड एक और पर्सन लिखे, इस बिटिया को 100-100 सलाम, 100-100 प्रणाम। तो चलिए आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक शॉप के वायरल पोस्टर के बारे में। तो गाइस, आगरा के एक शॉप का नो रिटर्न पॉलिसी वायरल जा रहा है जहां पर बेसिकली वो अपने दुकान के बाहर ये पोस्टर लटका दिए थे कि मम्मी को पसंद नहीं आया, पापा पहनने नहीं दे रहे, किसी भी कारणवश चेंज नहीं होगा। मतलब कि बोल दिया भाई ये सब आलतू फालतू बहाना मत मारना, हम लोग पहले ही बोल दे रहे हैं चेंज नहीं होगा, रिटर्न नहीं होगा भाई आपका सामान। तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, साहिल YT73 ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन चंदन मेहता ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन फैक्चर ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन ऋतुराज VFX ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली नेपाली गाथा को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग बात करने वाले स्पीड के बारे में। तो स्पीड फिर से बहुत सारे कांड करना चालू कर दिए। यस गाइस, कल वो थाईलैंड पहुंचकर IRL स्ट्रीम स्टार्ट किए थे एंड स्टार्ट होते ही वो किसी का टुकटुक को चलाने लगे एंड पूरा आउट ऑफ कंट्रोल जाकर वो क्रैश कर दिए टेंपल के दीवार में जाकर। भाई लिटरली कुछ भी करते यार वो। बट ऑफ कोर्स जो भी डैमेजेस वगैरह हुआ, वो जिसका भी टुकटुक था वो ड्राइवर का, उनको वो कैश में ज्यादा ही पैसा देकर वापस दे दिया भाई डैमेजेस का पैसा। बट जिस टेंपल के वॉल में जाकर वो ठोकर खाए थे, उस टेंपल के अंदर जाकर वो मॉन्क्स को सॉरी बोले एंड गॉड के सामने बाउ डाउन करके उनको भी अपोलोजाइज किए। बट यार टॉकिंग अबाउट स्पीड, तो वो मिस्टर बीस्ट वर्सेस रोनाल्डो सब वॉर के ऊपर अपना रिएक्शन दिए। यस गाइस, करेंटली इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन चल रहा है कि क्या रोनाल्डो फ्यूचर में मिस्टर बीस्ट को क्रॉस कर पाएंगे या नहीं। विल स्पीड इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद उनका ओपिनियन सुन लो। Do you think he's gonna pass like Mr. Beast? Yo, I think eventually he will. If he keeps posting videos like in 3 years, he'll pass him. Maybe. There's like a 67% chance.
तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले निको कार्डो एवोकाडो के बारे में। तो निको कार्डो अपना एक और क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन फोटो शेयर की है। यस गाइस, अ कपल ऑफ डेज अगो मैंने ये इनसेन स्टोरी आप लोगों को शेयर किया था कि कैसे निको कार्डो पूरे इंटरनेट को फूल बना दिए थे बाय हिज ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप पूरा स्टोरी जानना चाहते हो तो एक बार जाकर ये वीडियो देख लेना। बट या आज वो अपने ट्विटर में एक और पोस्ट शेयर किया है जहां पर लेफ्ट साइड में आप लोग देख सकते हो वो कितना ज्यादा फैट हो गए थे। एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन उनका नया लुक देखो यार, कंप्लीटली न्यू ह्यूमन बीइंग लग रहे हैं वो। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।